सुजानपुर के टोनी देवी मंदिर परिसर में भाजपा के संगठनात्मक चुनावों में सुजानपुर बिस क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए सुजानपुर के सभी बूथ अध्यक्षों के साथ मीटिंग रखी गई। चुनाव प्रभारी यशपाल ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने विशेष तौर से भाग लिया। सुजानपुर क्षेत्र के सभी बूथ अध्यक्षों की सहमति बीरेंद्र ठाकुर पर दिखी। कार्यक्रम के दौरान सभी बूथ अध्यक्षों की एक ध्वनि और एक स्वर में मंडल अध्यक्ष बीरेंद्र ठाकुर गाँव व पंचायत भेड़ा के लिए आवाज उठाई, जिसके उपरांत चुनाव प्रभारी यशपाल शर्मा ने सर्वसहमति से बीरेंद्र ठाकुर को मंडल अध्यक्ष के लिए नामित किया। सुजानपुर के टौनी देवी मंदिर परिसर में भाजपा के संगठनात्मक चुनावों में सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए सुजानपुर के सभी बूथ अध्यक्षों के साथ मीटिंग रखी गई। चुनाव प्रभारी यशपाल ठाकुर और हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी विशेष तौर से भाग लिया। सुजानपुर क्षेत्र के सभी बूथ अध्यक्षों की सहमति बीरेंद्र ठाकुर पर दिखी। कार्यक्रम के दौरान सभी बूथ अध्यक्षों की एक ध्वनि और एक स्वर में मंडल अध्यक्ष बीरेंद्र ठाकुर गांव व पंचायत भरेड़ा के लिए आवाज उठाई, जिसके उपरांत चुनाव प्रभारी यशपाल शर्मा ने सर्वसहमति से बीरेंद्र ठाकुर को मंडल अध्यक्ष के लिए नामित किया। कार्यक्रम के दौरान कैसे बनाए धूमल ने भी सभा में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होने पर धन्यवाद व शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों के लिए सभी लोग इसी प्रकार से मिलजुल कर कार्य करें और भारतीय जनता पार्टी और मजबूत बनाए। धूमल ने पूर्व मंडल सदस्यों और अध्यक्ष कैप्टन रंजीत सिंह का भी धन्यवाद किया और कहा कि उन्होंने पिछले लोकसभा चुनावों में मंडल की दिन रात मेहनत की वजह से लोकसभा के नतीजों ने आसमान की बुलंदियों को छू लिया है। इसके लिए सुजानपुर की जनता हमेशा उनकी आभारी रहेगी। धूमल ने कहा कि वे बीरेंद्र ठाकुर की कार्यशैली पर भरोसा रखते हैं। सभी कार्यकर्ताओं को कहा कि आने वाले समय में बीरेंद्र ठाकुर संगठन को और भी समक्ष और सशक्त बनाएंगे। कार्यक्रम के दौरान बीरेंद्र ठाकुर ने प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में पूर्व मंडल अध्यक्ष कैप्टन रंजीत सिंह, जिला परिषद चेयरमैन राकेश ठाकुर, महामंत्री अनिल शर्मा, पवन शर्मा मीडिया प्रभारी विनोद ठाकुर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बीरेंद्र ठाकुर, सुमन चौहान, भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।